हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। लेसन है 3rd, इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो चलो ये लेसन में क्या दिया है हम देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। तो ये टॉपिक में हम सीखेंगे कि ब्रिटिश रूल जो है उनका इफेक्ट इंडिया में किस तरह से हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वी हैव सीन दैट ड्यू टू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज द यूरोपियन पावर्स रीच द इंडियन कोस्ट। तो हमने इसके पहले पता किया किस तरह से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन पावर्स जो है, इंडियन कोस्ट तक किस तरह पहुँचे। ऑल द यूरोपियन इंक्लूडिंग पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश, ये सब इंडिया के कोस्ट पे आ पहुंचे थे। इंटर द रेस फॉर कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट, और इंडियन मार्केट कैप्चर करने के लिए उनमें रेस हो रही थी। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पस, द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी सेटल हियर एंड दे गेव अ बिटर रेसिस्टेंस। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए ट्रेड पर्पस के लिए, तो पोर्तुगीज ऑलरेडी यहाँ पे सेटल हो चुके थे और अभी उनका बिटर रेसिस्टेंस हो रहा था। लेटर फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप बिटवीन देम, बाद में उनमें फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट हो गए, बट टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ओवर इंडिया द ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर्स। बट ब्रिटिश पीपल्स को, ब्रिटिश को यहाँ पे डोमिनेट करने के लिए बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ा, फ्रेंच से, डच से, और यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनसे। तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश एंड मराठास। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में ब्रिटिश का मेन सेंटर जो था वो था मुंबई। दे वर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज, बट द मराठास हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। वो आजू बाजू के टेरिटरीज जो है वो एक्वायर करना चाहते थे, बट यहाँ पे थे मराठास और उनका स्ट्रॉन्ग पावर था उस पर। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, His uncle Raghunath Rao approached for help from the British due to his greed for Peshwashi. जब ये पेशवा माधव राव इनकी डेथ हो गई, उनके अंकल रघुनाथ राव ब्रिटिश पीपल के पास आए हेल्प मांगने के लिए। उनकी हेल्प में ग्रीड था, उनको चाहिए था पेशवाशी। This led to the entrance of the British in Maratha politics. और इस तरह से ब्रिटिश मराठा पॉलिटिक्स में एंटर कर गए। During 1774 to 1818, three wars were fought between the Marathas and the British. 1774 से 1818 तक के पीरियड में तीन वॉर हो गए Marathas और ब्रिटिश में। During the first war, the Marathas untiredly faced the British and hence proved superior. So first war में Marathas ने face किया ब्रिटिश को और वो superior थे। 1782 में विद द ट्रीटी ऑफ सालबाय द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू एन एंड। 1782 में एक ट्रीटी हुआ सालबाय का और पहला एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ। सब्सिडी अलायंस इन 1798, लॉर्ड वेल्सले अराइव्ड इन इंडिया एज गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड वेल्सले एक इंडिया के गवर्नर बनकर यहाँ पे आए थे। His objective was to establish the British domination all over India. उनका objective था कि पूरी इंडिया में British domination हो। For this, they signed the subsidiary alliance with many Indian rulers. तो उन्होंने अलग अलग इंडियन रूलर के साथ subsidiary alliance करना चालू किया। According to this alliance, the Indian rulers were assured of British military help. So, ये alliance के तहत इंडियन रूलर्स को ये assurity दी गई कि उनको British military की help जरूर मिलेगी। There were some terms laid on them, but कुछ terms वहाँ पे थे। The Indian rulers have to maintain British army in their court. Indian rulers को British army रखनी होगी अपने court में। Have to pay cash or part of their territory to the company for its maintenance. कुछ cash या फिर कुछ territory part में company को देनी पड़ेगी maintenance के लिए। ऐसे कुछ condition रखे। The ruler would not have any alliance with any other power or declare war against any power without the intervention of the British. और भी condition रखी, जो ruler है वो किसी के साथ alliance ना करे, किसी other power के साथ, किसी other ruler के साथ alliance ना करे या फिर war declare ना करे जब तक British वहाँ पे ना हो।
द रूलर वुल एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट, और रूलर ने एक्सेप्ट किया कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट वहाँ पे उनके स्टेट में रहेगा. सम इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द सिस्टम एंड लॉस देयर फ्रीडम. इस तरह से कुछ इंडियन रूलर्स ने ये सिस्टम एक्सेप्ट किया बट अपना फ्रीडम वो गंवा बैठे. 1802 में बाजीराव टू साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश. बाजीराव सेकेंड ने ऐसे एक सब्सिडरी अलायंस साइन किया ब्रिटिश के साथ. दिस अलायंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई. ये अलायंस जो है ट्रीटी ऑफ वसई के नाम से जाना जाता है. बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार्स. बट ये ट्रीटी कुछ मराठा सरदार को एक्सेप्टेबल नहीं थी. दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. इसकी वजह से हो गया सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन टू द मराठा स्टेट. जो जैसे ही ब्रिटिश लोग जीत गए उनका इंटरफेरेंस जो है मराठा स्टेट में चालू हो गया, ज़्यादा हो गया. This became intolerable and Bajirao to wage a war against the British. और ये सब intolerable हो गया और Bajirao second ने war declare किया British के against. He was defeated in this battle और ये battle में वो defeat हो गया, हार गया. 1888 he surrendered to the British. उन्हें surrender किया British के सामने 1888 में. In the meantime the capital of Mughals was under the control of Daulat Rao Shinde. ये time में मुगल का जो कैपिटल था उस पर कंट्रोल पा लिया था दौलतराव शिंदे ने. बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्पायर. और शिंदे का ये ट्रूप डिफीट करके जनरल लेक ने पूरा का पूरा मुगल एम्पायर कैप्चर कर लिया एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान. और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में उनको विक्ट्री मिल गया. छत्रपति प्रताप सिंह. अल्दो द पेशवाशिप केम टू एन एंड. पेशवाशिप तो खत्म हो गई थी. छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा वॉज स्टिल रूलिंग. बट छत्रपति प्रताप सिंह जो सातारा के थे वो अभी तक वहाँ पे रूल कर रहे थे. ब्रिटिशर्स साइन अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंटेड ग्रैंड डफ एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम. तो उन्होंने ट्रीटी की छत्रपति प्रताप सिंह के साथ भी और वहाँ पे अपना एक ऑफिसर ग्रैंड डफ असिस्ट के लिए छोड़ दिया. बट लेटर द छत्रपति वॉज डिथ्रॉन एंड एक्साइल टू काशी. बट बाद में छत्रपति को निकाल दिया वहाँ से, डिथ्रॉन कर दिया और भेज दिया काशी को. ही डाइड देयर इन 1847 में वहाँ पे डाइड हो गया. रंगो बापूजी गुप्ते अ लॉयल ऑफिसर ऑफ द छत्रपति फॉर द लीगल बैटल एंड वेंट अप टू द इंग्लैंड बट इट्स इफर्ट्स वर अनसक्सेसफुल. रंगो बापूजी गुप्ते एक लॉयल ऑफिसर थे छत्रपति के. उन्होंने लीगल बैटल किया इसीलिए इंग्लैंड भी गए हो बट उनके इफर्ट अनसक्सेसफुल रहे. लेटर लॉर्ड डलहौसी रिजेक्टेड द एडॉप्शन पॉलिसी एंड इन 1848 एनेक्स द स्टेट ऑफ सातारा. तो लॉर्ड डलहौसी ने सब एडॉप्शन पॉलिसी रिजेक्ट की एंड 1848 में स्टेट ऑफ सातारा एनेक्स किया गया. इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अब देखेंगे डल गवर्नमेंट. रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस द डल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल. बंगाल में डल गवर्नमेंट चालू किया रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने. द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वेयर एज द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. तो कंपनी पूरा रिवेन्यू कलेक्ट करेगी और नवाब बंगाल क्या करेगा, मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर. दिस वॉज नॉन एज डल गवर्नमेंट. इसे कहा गया डल गवर्नमेंट सिस्टम. The ill effects of dull government system could be seen after certain time period. जो ill effects थे dull government के वो कुछ period के बाद दिखने लगे. Money in the form of taxes went into the pockets of the company officers. जो भी पैसा आता था taxes का वो company officer के pocket में जाता था. The monopoly of trade in India was given to East India Company. पूरी की पूरी monopoly जो है trade करने की East India Company को दे दी गई. Hence, many trading companies in England invite them. The working system of the company in India received criticism in England and British Parliament introduced some important laws to keep control over the company. जो working system था company का India में उस पर criticism हुआ England में British Parliament में और इसीलिए कुछ important laws लाए गए control करने के लिए parliamentary laws. According to Regulating Act 1773,
द बंगाल गवर्नर केम टू बी नॉन एज द गवर्नर जनरल। जो एक्ट बनाया गया 1773 में, उसके तहत जो बंगाल के गवर्नर थे वही जाने गए गवर्नर जनरल की फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंस। उनको राइट मिल गया कि वो पॉलिसीज मुंबई एंड मद्रास की कंट्रोल करें। अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स वाज सेट अप टू असिस्ट हिम। उनको असिस्ट करने के लिए एक कमिटी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे। इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये एक्ट के तहत क्या प्रोवाइड किया है? अपॉइंटमेंट, परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अपॉइंटमेंट, बेटर रेगुलेशन के लिए और मैनेजमेंट अफेयर्स अच्छे से चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन 1813, 1833 एंड 1853 न्यू लॉज वर पास बाय द पार्लियामेंट टू मेक सर्टन चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। कंपनी का वर्किंग ठीक से हो इसीलिए ये थ्री अलग अलग ईयर्स में नए लॉज पास किए गए। इन दिस वे देयर इवॉल्व एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तरह से एक इनडायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पे आ गया और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पे आ गया। विद द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश रूल अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप इन इंडिया। इस तरह से ब्रिटिश रूल आने की वजह से एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में डेवलप्ड हो गया। सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम बिकेम द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो 4 पिलर्स था यहाँ पे दिया है, सिविल सर्विस, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम। सिविल सर्विसेज, टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। इंडिया में ब्रिटिश रूल अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जरूरत थी ब्यूरोक्रेट्स की। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये इंट्रोड्यूस किया ब्यूरोक्रेसी। सिविल सर्विसेज बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ही रेस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड कैरीड आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स एंड फॉर दिस पर्पज ही इंक्रीज देयर सैलरी। उन्होंने प्राइवेट जो ट्रेड था वो रेस्ट्रिक्ट किया और कंपनी ऑफिसर्स को ये रोकने के लिए उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट। और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने जो भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की थी उन्हें वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड की। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वो चीफ बन गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जस्टिस देने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। द ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड थ्रू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नॉन एज इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ऑफिसर अपॉइंट किए गए एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स लेने के बाद, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स थी इंडियन सिविल सर्विसेज ICS। मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। The duty of military was to safeguard the British occupied regions in India, acquire new territories and break down any revolt against the British in India. So, military ki duty kya thi? British ko safeguard rakhna India ke regions mein, naye territories ye karna, break down karna revolt jo British ke against ho raha hai India mein, aur law and order maintain karna country mein. ये सब ड्यूटी था पुलिस फोर्स का या फिर मिलिट्री का। जुडिशियल सिस्टम देखो, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। एक नया जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया इंडिया में। ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। सो जुडिशियल सिस्टम के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट होगा वहाँ के लोकल केसेस सॉल्व करने के लिए। फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट्स हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश। और उनके जजमेंट रिकन्सिडर करने के लिए एक हाई कोर्ट लेवल भी बनाया गया।
इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहले के टाइम में लॉ जो थे अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से यूज किए जाते थे। देर वॉज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, और कास्टिज्म के बेसिस पे अलग अलग जजमेंट अलग अलग कास्ट के लोगों के लिए लिया जाता था, तो डिफरेंस था जजमेंट में। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉली अ कमिटी वॉज सेटअप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। सो लॉर्ड मैकॉली के लीडरशिप के अंडर कमिटी सेटअप की गई जो कोड ऑफ लॉ क्रिएट करेगी। द इंडियन पिनल कोड वॉज इन्फोर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विद ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी बिफोर लॉ। सो इंडियन पिनल कोड जो है इन्फोर्स किया गया ऑल ओवर इंडिया में और विद ब्रिटिश प्रिंसिपल। इक्वेलिटी जो थी वो भी पहले होनी चाहिए, ये भी लॉ इन्फोर्स किया गया। मतलब सब लॉ इक्वल होने चाहिए ऑल पीपल्स के लिए, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बट देर वर सम डिफेक्ट्स इन इट, बट कुछ डिफेक्ट्स थे उसमें। देर वर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस। यूरोपियंस के लिए अलग कोड थे और अलग लॉ थे। न्यू लॉज वर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल, और नए लॉ जो थे वो कॉमन पीपल्स को समझ में नहीं आते थे। लीगल केसेस बिकम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी, और लीगल केस लेना बड़ा खर्चिक था, एक्सपेंसिव था, एंड द केस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टूगेदर, और केस सालों तक पेंडिंग रहते थे। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंसेप्ट हमने ये वीडियो में देखे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हम नए वीडियो में देखेंगे। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं, आप ज़रूर बताओ।